गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू वन स्टोरी विच इज़ इन योर बुक ऑन पेज नंबर 17, द फॉक्स एंड द स्टॉक. इसको आप क्या करोगे, आप पहले नोटबुक में लिखोगे, बुक में से देख के, देन यू विल लर्न इट. ओके, फिर आप क्या करोगे, लर्न करोगे. इट कैन बी योर ओरल ऑल्सो और रिटन पेपर ऑल्सो. इसका रिटन भी हो सकता है और ओरल में भी आ सकती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द स्टोरी द फॉक्स एंड द स्टॉक. ये आपकी बुक के पेज नंबर 17 पे है. ठीक है, आप पहले क्या करोगे, मैं आपको समझा देती हूँ इस पूरी स्टोरी में है क्या. उसके बाद आप इस स्टोरी को नोटबुक पे लिखोगे. अगर आपको लगता है कि इस स्टोरी से रिलेटेड आपको कोई पिक्चर बन सकती है तो आप उस पिक्चर को ड्रॉ करके अच्छे से कलर भी कर सकते हो. ठीक है, एंड आफ्टर दैट स्टोरी को सिर्फ लिखना नहीं है, ये लर्न भी करनी है. तो या तो आपके रिटन पेपर में आएगी ये स्टोरी या फिर आपके ओरल में आएगी. ठीक है, तो फॉक्स एंड द स्टॉक पढ़ते हैं स्टोरी, अ फॉक्स एंड अ स्टॉक. ठीक है, स्टोरी क्या है, अ फॉक्स एंड अ स्टॉक वर फास्ट फ्रेंड्स. फॉक्स और स्टॉक दो एनिमल्स हैं, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. बट द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग. जो फॉक्स था ना वो बहुत चालाक था. वन डे ही थॉट ऑफ अ मिसचीफ. उसके ना मन में एक दिन बुरा ख्याल आया. उसने क्या किया, स्टॉक से पंगा लेने की सोची. ही इन्वाइटेड द स्टॉक टू डिनर. उसे तंग करने की सोची. तो उसको तंग कैसे किया उसने, उसने क्या किया, स्टॉक को डिनर पे बुलाया. ही सर्व्ड सूप इन अ फ्लैट डिश. उसने ना सूप को एक फ्लैट डिश में सर्व कर दिया, फ्लैट प्लेट में सर्व कर दिया. स्टॉक हैड लॉन्ग लेग्स. अब स्टॉक ना वो एनिमल होता है, इसकी बड़ी लंबी लंबी लेग्स होती हैं, लंबी नेक होती है, लॉन्ग नेक होती है और लॉन्ग बीक होती है. She could not eat anything. वो कुछ भी नहीं खा पाया. The fox lapped it up. और जो fox था उसने सारा चट कर दिया खाना. ठीक है, fox पूरा का पूरा खाना खा गया. The fox said. fox ने बोला, Why are you not eating the soup? तुम सूप को क्यों नहीं खा रहे? Don't you like it? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? स्टॉक उसकी चलाकी समझ चुका था. स्टॉक सेड, द सूप डज नॉट एग्री विद मी. सूप मुझे पसंद नहीं है. आई ईट ओनली राइस. मैं सिर्फ राइस खाता हूं. ये कह के स्टॉक वहां से चला गया. एंड ही केम बैक टू हिज प्लेस. और वो अपने घर आ गया. अ फ्यू डेज लेटर. कुछ दिनों बाद द स्टॉक इन्वाइटेड द फॉक्स टू डिनर. अब स्टॉक को बदला तो लेना था, तो उसने क्या किया, फॉक्स को इनवाइट किया. ही सर्व्ड बॉइल्ड राइस इन अ लॉन्ग एंड नैरो नेक्ड जार. उसने क्या किया, उसने बॉइल्ड राइस को सर्व किया. बॉइल्ड राइस होते हैं जो उबले हुए चावलों को किसमें, एक लॉन्ग नेक की जार थी, लाइक ऐसे लॉन्ग नेक की जार थी जिसमें उसने उनको सर्व किया. The fox could not eat anything. और fox का मुंह तो पहुंच नहीं रहा था वहां तक. Fox कुछ भी नहीं खा पाया. The stork enjoyed a hearty meal. Stork ने बड़ी खुशी खुशी खाना खाया, enjoy किया. The fox felt small. Fox को बहुत छोटा सा महसूस हुआ, उसे बहुत गंदा लगा, उसे बहुत बुरा लगा. और उसने क्या किया, लास्ट में उसको अपनी गलती की realization हुई. जब realize हुआ तो he promised. उसने प्रॉमिस किया कि वो नॉट टू प्ले सच अ ट्रिक अगेन. वो ऐसी गंदी ट्रिक नहीं खेलेगा. ओके, सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज टिट फॉर टैट. जैसी करनी वैसी भरनी. जैसा आप करोगे आपको वैसा ही बदले में मिलेगा. क्लियर? सो दिस इज द स्टोरी विच यू विल राइट इन योर नोटबुक. और उसे लर्न करोगे. इट कैन कम इन योर ओरल पेपर और इट कैन बी इन योर रिटन पेपर. ओके, so in the next class we'll start next topic. till then take care of yourself. bye bye.